2.1, question number 1. The graph of y is equal to p of x are given below for some polynomial p of x. So, find the numbers of 0 of p of x in each case. Chalo, toh dear students, yahan pe first one graph pe hum focus kare, toh kuch curve diya hua hai, but over here, x-axis as well as y-axis mein, ye jo line hai hamari, वो x एक्सिस को जितने बार टच करेगी उतने हमारे नंबर्स ऑफ जीरो होंगे. सो इन आवर फर्स्ट केस, यानी कि ये जो फर्स्ट केस है उसमें ये जो लाइन है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है. दैट मींस इसमें जीरो कितने हो जाएंगे, इसमें जीरो जीरो रहेंगे. दैट मींस आवर आंसर इज व्हाट, जीरो. ठीक है, चलो देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में यानी कि सेकंड फिगर में देखो, ये जो हमारा कर्व है वो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 टाइम्स. क्या यहां पे देखो कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 टाइम्स. दैट मींस हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नंबर्स ऑफ 0 फॉर दिस सेकंड केस क्या जाएगा, 1. ठीक है, चलो देन आफ्टर थर्ड केस की बात है, थर्ड नंबर. सो थर्ड नंबर में जो गिवन डेटा में है अकॉर्डिंग टू दैट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे फोकस करें तो हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पे 1 इधर 1 टाइम्स, इधर 2 टाइम्स, ये सेकंड टाइम्स एंड इधर 3 टाइम्स. दैट मींस ये जो हमारा कर्व है वो एक्स एक्सिस को हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 टाइम्स. दैट मींस आवर आंसर इज व्हाट, नंबर्स ऑफ 0 इज व्हाट फॉर दिस 1, 3 आएगा. ठीक है, चलो देन आफ्टर फोर्थ नंबर की बात करें. सो फोर्थ नंबर में इस पे फोकस करो, ये जो हमारा कर्व है वो एक्स एक्सिस पे कितने बार टच कर रहा है, तो 1 एंड 2. देखो यहां पे 2 टाइम्स टच कर रहा है, दैट मींस नंबर ऑफ 0 इज व्हाट, आंसर इज व्हाट, 2. ठीक है, चलो देन आफ्टर यहां पे फिफ्थ नंबर पे हम देखें तो फिफ्थ नंबर में क्या हुआ है, x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस ऐसा कुछ कर्व हमें दिया हुआ है. तो देखो x एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है ये कर्व, उसको हमें फोकस करना है. दैट मींस 1 2 3 एंड 4, तो यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4. ठीक है, एंड देन आफ्टर लास्ट वन में हमें देखें तो हमारा जो कर्व है वो x एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है, 1 2 एंड 3. सो आंसर इज व्हाट,